चलिए आपको इस वक्त की 25 बड़ी खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर कल रूस रवाना होंगे। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मॉस्को से ऑस्ट्रिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल असम और मणिपुर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। मणिपुर में हिंसा प्रभावित लोगों के साथ करेंगे मुलाकात। एमपी में कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत बन सकते हैं मंत्री। झारखंड में कल हेमंत सोरेन सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। नए चेहरे को मंत्रिमंडल में मिल सकता है मौका। यूपी में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर बीजेपी का मंथन। बीएल संतोष ने दलित नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक की। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एनसीडब्ल्यू चीफ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज सकती है कांग्रेस। केशव राव के इस्तीफे से खाली हुई है सीट। हाथरस हादसे पर चश्मदीद का बड़ा दावा। कहा बाबा के ऐलान के बाद मची भगदड़। बाबा ने कहा था पैरों की रज लेकर जाएं। हाथरस हादसे में बाबा के वकील एपी सिंह का बड़ा दावा। कहा भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश। स्कॉर्पियो सवारों ने स्प्रे का छिड़काव किया। हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी का सीएम योगी को पत्र। मृतकों और घायलों के परिजनों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग। राहुल के अयोध्या में बीजेपी की हार वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा इनको अहंकार ले डूबेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। दहशतगर्दों के पास से हथियार बरामद। मुंबई के वर्ली में कार की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की जान गई। आरोपी मिहिर शाह और कार ड्राइवर फरार। मुंबई हिट एंड रन मामले में बोले सीएम एकनाथ शिंदे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर। चेन्नई में तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग का अंतिम संस्कार। 5 जुलाई को हुई थी हत्या। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने लहराए पोस्टर। पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने तरन तारण बॉर्डर पर ड्रोन को ढेर किया। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी में खास इंतजाम। राष्ट्रपति मुर्मू हुई शामिल। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में अमित शाह ने की पूजा। मंगल आरती में हुए शामिल। गुरुग्राम में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को साई आंगन मंदिर में स्थापित किया गया। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। 25 लाख लोग प्रभावित। अब तक 52 लोगों की मौत। 30 जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच रक्सिया नाले के तेज बहाव में बही बाइक। तेज बहाव में गिरे 2 बाइक सवार युवक। और भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 100 रन से हराया। अभिषेक शर्मा ने लगाई सेंचुरी। सीरीज 1-1 से बराबर।